2025 में अगर आपको सबसे सस्ता और आसानी से और कूपन कोड के साथ डोमेन नेम खरीदना है तो ये वीडियो आपके लिए, जहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको खुद यहां पर डोमेन नेम खरीद के बताऊंगा कौन से स्टेप्स लेने चाहिए आपको, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे डोमेन नेम सिलेक्ट करना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। हाय गाइज, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग, वेब होस्टिंग, डोमेन से काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा 2025 में कैसे आपको एक डोमेन नेम को सिलेक्ट करके बाय करना है। देखो, सिलेक्शन के लिए देयर आर मेनी डोमेन नेम जनरेटर, जिसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो वाला वीडियो जा करके, कैसे डोमेन नेम को हम लोग एक अच्छा डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं। अब आपने कुछ डोमेन नेम्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया, खरीदने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि डोमेन नेम एक्चुअल में सही है कि नहीं है, कहीं उस पर स्पैम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, कहीं उसमें पहले कोई ऐसी वेबसाइट थी जो आपके नीश से काफ़ी डिफरेंट थी, अब आप उस पर कुछ और वेबसाइट बना रहे हो तो रैंक नहीं करेगी, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपको क्विकली बता देता हूँ। वैसे इसका डिटेल्ड वीडियो भी है, वो भी मैंने बहुत पहले बनाया था, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल देख के करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक डोमेन नेम है yesai.com, ये मैंने सेलेक्ट किया है, ये अभी अवेलेबल है परचेज करने के लिए, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी छोटा है। अब यहाँ पे गया तो हमने देखा कि जो इसका स्पैम स्कोर है वो 56% है, तो यहीं पर इसका काटा लग गया। फिर एक और चीज़ जो आपको देखनी है वो कि इसकी हिस्ट्री वे बैक मशीन पर जा करके, इन सब का मैं यहाँ पर आपको नाम वैसे दे दूंगा, यह सब आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक्स मिल जाएंगे। तो yesai पे मैं गया, इसकी हमने यहाँ पर हिस्ट्री देखी, मैं गया 2014 में January 3 में क्या था इसकी स्नैपशॉट देखते हैं। तो ये यहाँ पर एक चाइनीज़ वेबसाइट आ गई है, वैसे तो डोमेन नेम AI से रिलेटेड है, बट क्योंकि ये चाइनीज़ वेबसाइट है तो ये मेरे नीश से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इस पर काम नहीं किया जाएगा, ये डोमेन नेम नहीं लेना है। हु इज़ हिस्ट्री पे जाएंगे और एक और बार यहाँ पे मैं अपना डोमेन नेम डाल के देखूंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कितना पुराना है डोमेन नेम है, कितनी बार चेंजेस हुए हैं। 17 साल पुराना है, इट इज़ गुड, बट 44 चेंजेस हुए हैं इसमें। और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि रजिस्ट्रार कब कब चेंज हुआ है तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा जो मेरे पास डोमेन नेम था वो था aipoof.com, लेट्स सी, ये भी अभी अवेलेबल है, तो इसका जो स्पैम स्कोर है काफ़ी कम है, तो इट इज़ गुड, 1%। फिर हम लोग जाएंगे वे बैक मशीन पे, देखते हैं कि इसमें पहले कौन सी वेबसाइट थी, aipoof.com। तो यहाँ पर कोई भी आर्चिव पेज नहीं है, मतलब इस डोमेन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है अभी तक। एक और बार इस पे चेक करते हैं aipoof.com कि ये डोमेन एक्चुअल में है कितना पुराना, तो ये बस 1 साल पुराना है और इस पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस भी नहीं हुए हैं, तो ये डोमेन नेम क्लीन है, इसको मैं परचेज कर सकता हूँ। तो वंस यू हैव डिसाइडेड द डोमेन नेम, अब हमें जाना है डोमेन रजिस्ट्रार के पास। बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं, तो आज की वीडियो में जिसका हम लोग यूज़ करेंगे और जो सबसे ईजी भी है, सस्ता भी है, और इंडियन से यहाँ पे UPI से भी पेमेंट कर सकते हो, आपको इंटरनेशनल क्रेडिट डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, USD में पे नहीं करना है, INR में फ़ोनपे ऐप के थ्रू मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा। उसके लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे होस्टिंगर का, जो कि होस्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है, बट रिसेंटली इन्होंने डोमेन नेम पर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके लिए आपको जाना है मेरे नीचे दिए गए लिंक पे, go.kripeshadvani.com/domain, यहाँ पर आपको चले जाना है। इस पर आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी मिलेगा जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये पेज आपके पास खुल जाएगा, यहाँ पे हमें अपना डोमेन नेम टाइप कर देना है, aipoof.com, ये मैंने सेलेक्ट किया था डोमेन नेम परचेज करने के लिए। इसके बाद मेक इट योर्स, ये अवेलेबल है aipoof.com। उसके बाद 2 साल या 1 साल, जितने भी साल के लिए आपको चाहिए, 2 ईयर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल पे कितना प्राइस मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है हैव अ कूपन कोड पे, हियर यू कैन एंटर माई एक्सक्लूसिव कूपन कोड, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। होस्टिंग के लिए आपको मिल जाएंगे लेकिन डोमेन के लिए और किसी के पास नहीं मिलेगा। यहाँ पर आना है KP domain, आई क्लिक अप्लाई एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बना देना है, ईमेल एड्रेस डाल दो यहाँ पर और पासवर्ड डाल दो। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको इसका पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा, जो मेरे पास अप्रॉक्स अमाउंट आ रही है वो 687। इस पे GST अभी अलग से ऐड होगा और फ्री हुईस प्रोटेक्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कुछ डोमेन प्रोवाइडर्स है जो आपको फ्री में नहीं देते हैं, होस्टिंगर ये आपको हमेशा फ्री में देगा, इसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर इफ़ यू हैव GST यू कैन एंटर दैट एज वेल, ऐड कंपनी डिटेल्स एंड यू कैन एंटर कंपनी नेम और GST नंबर, मेरा है तो यहाँ पर मैं अपना एंटर कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, कार्ड, UPI, PayPal। UPI पे हम लोग जाएंगे, UPI, सबमिट पेमेंट। यहाँ पे मेरा GST 0% इसलिए लगा है क्योंकि मेरे पास GST नंबर था, अगर आपके पास नहीं है तो आपको 18% देना पड़ेगा फॉर GST। और यहाँ पे वी विल एंटर माय UPI ID, यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, UPI ID डाल दिया, फिलहाल मैं इसको ब्लर कर दूंगा और आई क्लिक कंटिन्यू।
यू वोंट बी चार्ज, ठीक है। ये एक ऑटो पेमेंट मेरे उसमें डाल देगा कि हमेशा मेरे अकाउंट में से 1600 ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर दें हर साल। तो अभी के लिए फिलहाल इसको हम लोग ऑन कर देंगे, लेकिन बाद में मैं इसको किस तरीके से ऑफ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऑटो पे को हम लोग कैसे डिसेबल कर सकते हैं फोन पे ऐप पे, फोन पे कुछ इस तरीके से मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा सेटअप ऑटो पे। 1600 मुझे दिखा रहा है लेकिन 1600 कटेंगे नहीं, अभी सिर्फ जो 684 के अराउंड जो अमाउंट था वो कटेगा। आई क्लिक सेटअप ऑटो पे, ठीक है। यहाँ पर मुझे 1600 बता रहा है लेकिन अभी ये नहीं कटेंगे। आई क्लिक सेट ऑटो पे, UPI पेमेंट डाल देंगे, ऑटो पे सेट सक्सेसफुली डन। अब देखो जो मेरा अकाउंट है ना वो 687 रुपीज़ यहाँ पे कटे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कटे हैं। और स्क्रीन पे भी अब आप लोग देख सकते हो पेमेंट हो चुकी है यहाँ पर। आई क्लिक गेट स्टार्टेड और मेरा डोमेन यहाँ पर आ गया है aiproof.com। यहाँ पर अभी हम लोग प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंडिया, पर्सनल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन चेंज इट। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पर्सनली कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल करके आप लोग फिनिश रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर आपका डोमेन रजिस्टर हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन का ईमेल आएगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, कन्फर्म ईमेल फॉर योर डोमेन नेम aiproof.com। ये मेरा ही है, ये मेरा ही ईमेल एड्रेस है, इसको आपको वेरीफाई कर देना है। ओके, ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड। ये रहा हमारा होस्टिंगर का होम स्क्रीन। आपको चले जाना है यहाँ लेफ्ट हैंड पे डोमेन्स पे, डोमेन पोर्टफोलियो पे। ये रहा आपका डोमेन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि aiproof.com ये हमारे पास है। इसको आपको क्लिक कर देना है मैनेज के ऊपर। जैसे ही मैनेज पे जाओगे इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से यू कैन टर्न ऑफ ऑटो रिन्यूअल, प्राइवेसी प्रोटेक्शन इसको हमेशा ही ऑन रहने देना है, ट्रांसफर लॉक इसको भी ऑन रहने देना है, अनटिल एंड अनलेस आप इसको माइग्रेट करना चाहते हो दूसरे डोमेन रजिस्ट्रार के ऊपर, इसको ऑन रहने देना। जो मेन चीज़ है जहाँ से आपका सारा काम होगा वो होगा DNS नेम सर्वर्स से। यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं DNS नेम सर्वर्स, चेंज नेम सर्वर्स। इस पर अगर आप लोगों की होस्टिंग होस्टिंगर के ऊपर ही है तो ये होस्टिंगर नेम सर्वर्स यूज़ कर लो, बेस्ट है। अगर आपकी होस्टिंग भी होस्टिंगर पर है, डोमेन भी होस्टिंगर पर है, काफ़ी ईजिली कनेक्ट कर आएगा। लेकिन अगर कहीं और पर है, मान लो हम लोग क्लाउड फ्लेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चेंज नेम सर्वर पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर के नेम सर्वर्स डाल देने हैं अगर वो देते हैं तो। जो भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो उसके नेम सर्वर्स डालने हैं आपको। होस्टिंगर पे कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। मैनेज DNS रिकॉर्ड, अगर आप लोग ए रिकॉर्ड यूज़ कर रहे हो, अगर आप लोग ए रिकॉर्ड, सी रिकॉर्ड, वो सब लोग यहाँ से आप लोग इजीली एडिट कर सकते हो। DNS क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो वो जाके देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसको भी समझना, ए नेम, सी नेम, ये सब क्या होता है। नाउ लेट्स से मेरी जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर के ऊपर ही है, जैसे बिजनेस वेब होस्टिंग है। इस पे यहाँ पर अभी तीन वेबसाइट है, आई क्लिक मैनेज। इस पे एक और मैं यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, लेट्स गो टू कहाँ गया, क्रिएट का ऑप्शन, ये रहा ऐड वेबसाइट, हियर ऐड वेबसाइट पे मैं गया और यहाँ पर हम लोग क्विकली एक वेबसाइट बना देते हैं, स्किप, क्रिएट अ वेबसाइट, नेक्स्ट, वर्डप्रेस, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएट ब्लैंक साइट, डोमेन नेम, यहाँ पर मेरे पास डोमेन नेम आ जाएगा जो मैंने खरीद के रखा है aiproof.com, इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो इतना आसान है अपने डोमेन को अपनी होस्टिंग से कनेक्ट करना, अगर आप लोग होस्टिंगर यूज़ कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो नेम सर्वर्स चेंज कर देना, दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से 2025 में आपको डोमेन नेम खरीदना है। मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ को कवर करने की कोशिश करी है, आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप ज़रूर दे देना। और होस्टिंग कौन सी लेनी चाहिए उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया बेस्ट होस्टिंग का, वो एक बार जाके देख लो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपके लिए कौन सी होस्टिंग सबसे बेस्ट रहेगी। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।